इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 मैच, जहां पर टीम इंडिया वुमेन्स की शानदार जीत हुई। आप सभी को बता दें, 3 ODI 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के इरादे से उतरी टीम इंडिया वुमेन्स काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। आप सभी को बता दें, इंडिया वुमेन्स की इस जीत का श्रेय पूरी तरीके से जाता है जेमिमिया रोड्रिगस को। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आई थी, जो कि खेला गया शानदार मैदान दांबुला के। आपको बता दें, इंडिया वुमेन टूर ऑफ श्रीलंका जारी है, जहां 2 बजे मुकाबला खेला गया गुरुवार 23 जून को। यहां पर टॉस जीता था इंडिया वुमेन की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 थी स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, सबीनी मेघाना, जेमिया रोड्रिगस, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, रेणुका सिंह, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ हमें देखने को मिली। तो श्रीलंका वुमेन्स की प्लेइंग 11 में समीरिया देखने को मिली, विश्मी, हर्षिता, कविशा, नीलाक्षी, तो वहीं अनुष्का, इनोका, कंचना और वहीं दूसरी तरफ ओशाजी, सुगंधिका और युदेशका हमें देखने को मिली। जैसा कि आपको बताया, टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया वुमेन्स ने बल्लेबाजी करने का डिसीजन किया था, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए इंडिया वुमेन्स की टीम ने, जिसमें सबसे ज़्यादा रन देखें तो रोड्रिगस ने बनाए 27 गेंदों में 36 रन 3 चौके 1 छक्के की मदद से, तो वहीं शेफाली वर्मा ने 31 गेंदों में 31 रन 4 चौके की मदद से मारे। दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 20 गेंदों में 22 रन 3 चौके की मदद से उन्होंने भी मारे थे, तो वहीं पूजा वस्त्रकार ने 12 गेंदों में 14 रन और वहीं दीप्ति शर्मा ने 8 गेंदों में 17 रन बनाए थे। 3 विकेट रनी वेरा ने चटकाए तो 2 विकेट राणा सिंघे ने भी चटकाए और 1 विकेट अथापत्तू के खाते में भी गई। श्रीलंका टीम जब 139 रन चेस करने उतरी शानदार मैदान पर, तो सामने थी भारतीय बेहतरीन गेंदबाजी, जहां करीब 7 गेंदबाजों का इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किया गया और इसमें राधा यादव ने 2 विकेट, दीप्ति शर्मा ने 1, पूजा वस्त्रकार ने 1 और शेफाली वर्मा ने 1 विकेट लिया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीलंका वुमेन्स की टीम से कविशा दिलहरी ने 49 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली 6 चौके की मदद से, लेकिन इसके अलावा कोई और बल्लेबाज हाथ खोलने का मौका तक नहीं पाया, जहां पर 1-1 मेडन ओवर दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार ने भी डाले। तो वहीं विश्मी की बात करें, वह 1 रन बनाकर आउट हुई। हर्षिता ने 17 गेंदों में 10 रन बनाए। दूसरी तरफ नीलाक्षी ने 11 गेंदों पर 8 और कंचना ने यहाँ पर 11 गेंदों पर 11 और अनुष्का संजीवी ने 8 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बना पाए और 20 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका वुमेन्स की टीम का स्कोर 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर था और इंडिया वुमेन्स की टीम 34 रन से ये मुकाबला जीत पाने में कामयाब रही और इस सीरीज़ में 1-0 से अब आगे हो गई है। बचे हुए जो टी20 मुकाबले बचे, तो अभी जो शुरुआती हुआ है, लेकिन जो दूसरा टी20 मैच है वो दांबुला के मैदान पर ही खेला जाएगा। आपको बता दें कि ODI सीरीज़ पहले केले के मैदान पर और टी20 और दांबुला के मैदान पर खेले जाएंगे, जहां 25 जून को दूसरा टी20 और 27 जून को तीसरा टी20 होगा। फिर उसके बाद 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ODI सीरीज़ चलेगी, जहां 1, 4 और 7 को ODI मैचेस होंगे। लेकिन इस मुकाबले में रोड्रिगस की शानदार बल्लेबाजी की वजह से उनको वुमेन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया और टीम वुमेन्स की टीम यहां पर यह मुकाबला शानदार 34 रन से जीत पाने में कामयाब रही। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।